अरे इसको बंद करना होगा, नया नियोजन नीति लाना होगा। यहाँ से 10-12 करल बाहरी हो गया, अब बाहरी वाला ये भीतरी हो गया, इसका नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हजारीबाग में जो देख रहे ना, ये झांकी है, झांकी अभी पूरा झारखंड बाकी है। जिस रोजगार के बात कर रहे हो, अपना बेटा बेटी को क्यों नहीं बोलता कि सुअर पालो, मुर्गे पालो। हमें ग्रेजुएट करके मुर्गे सुअर पालने के लिए पढ़ते हैं, और अगर सुअर पालना चाहते तो अपना बाल बच्चा से क्या नहीं कहते सुअर पाले, शुरुआत उसी से कीजिए। और हम लोग को बोलता है मुर्गी पालो, तो हम लोग 3 साल से तो मुर्गियाँ पाल रहे हैं। हेमंत सोरेन मुर्गी है, उसी को पाल रहे हैं, और क्या पालेंगे। हेमंत बाबू काहे ऐसा खेल खेला जिसमें हमारा जवानी का जो है कि खत्म हुआ, हमारा जवानी का मेला। बढ़िया दारू ना चलता। 15 दिन के अंदर नियोजन नीति चाहते हैं सरकार से। 15 दिन के अंदर नियोजन नीति। झारखंड का दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि मैट्रिक इंटर फेल मंत्री बन जाते हैं। मैट्रिक इंटर मंत्री बन जाते हैं। जिस दिन युवा उग्र होगा, 81 विधानसभा सीट से लड़ेगा और पूरा राजनेता का दुकान बंद कर देगा। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, हेमंत सरकार हाय हाय, हेमंत सरकार हाय हाय। अब हेमंत सोरेन के पास यही कहना चाहते हैं कि अब नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू करें और एग्जाम, जितना भी एग्जाम है वो एग्जाम करवाने का काम करो। और जो बात करें सुप्रीम कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का आवश्यकता नहीं, ऐसे भी ऑलरेडी बहुत युवाओं का उम्र चला चुका है और उम्र चल जाएगा तो युवाओं बेचारा करेगा क्या। इसलिए नया नियोजन नीति बना करके एग्जाम करवाया करें। और जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं मुर्गी पालन करो, उसको शर्म नहीं आता है। वो अपना बेटा बेटी को क्या सुअर और मुर्गी पालने, वो सुअर और मुर्गी पालेंगे। ये हजारीबाग में जो देख रहे ना, ये झांकी है, झांकी अभी पूरा झारखंड बाकी है। तो अभी जो झारखंड सरकार का नियोजन नीति जो रद्द हो गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। हम यही कहेंगे हेमंत बाबू को कि हेमंत बाबू काहे ऐसा खेल खेला जिसमें हमारा जवानी का जो है कि खत्म हुआ, हमारा जवानी का मेला। और जिस प्रकार का झूठे वादा करके सरकार में आया और नौकरी का लालच देकर के नौजवानों को मूर्ख बनाया, हम यही कहेंगे हेमंत सोरेन को कि तुम भी तड़पोगे हमको तड़पा कर, तुम भी तड़पोगे हमको तड़पा कर 2024 में जब हाथ जोड़ कर आओगे। और 22 साल का झारखंड में एक नियोजन नीति नहीं बन पाया, नियोजन नीति नहीं बन पाया अर्थात नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाया। और यह नियोजन नीति जो बनाया गया, हम साफ स्तर पे कहते हैं कि यह नियोजन नीति एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित के तहत इसको लाया गया था जिससे यहाँ के छात्रों को नौकरी ना दिया जाए। और हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं अपनी मंशा में सफल भी हो गया, अपनी मंशा में सफल हो गया। और जब तक नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक नियुक्ति नहीं हो सकता। जिस रोजगार के बात कर रहे हो, अपना बेटा बेटी को क्यों नहीं बोलता कि सुअर पालो, मुर्गे पालो। हमें ग्रेजुएट करके मुर्गे सुअर पालने के लिए पढ़ते हैं, और अगर सुअर पालना चाहते तो अपना बाल बच्चा से क्या नहीं कहते सुअर पाले, शुरुआत उसी से कीजिए। हम लोग इतना पढ़े हैं, शिक्षा मंत्री का बयान।
विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा, लेकिन निकम्मा सरकार को यहाँ नियोजन नीति बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? वो अपने साथ जानपर जाहिल ऑफिसर को रखा हुआ था, अगर नहीं बन रहा है तो वो सरकार इस्तीफा दे देगा। अभी जो नीति जो रद्द हो गया उसके बारे में क्या बोलोगे? नियोजन नीति जो रद्द हुआ है हमारे जो है हमारे जो झारखंड सरकार नियोजन नीति रद्द किए हुए हैं उनसे हम लोग का यही आग्रह है, मांग है, निवेदन है कि जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू करें 15 दिन के अंदर, और जितने भी एग्जाम जो है स्थगित किए हुए हैं वो जल्द से जल्द एग्जाम स्टार्ट करें, और जितने भी वैकेंसी जो है रद्द कर दिया गया है फॉर्म भरने के बाद भी उसे भी अथाशीघ्र जारी रखें। तो ये नियोजन नीति रद्द होने के बाद जगन्नाथ महतो क्या बोले कि आपको सबको नौकरी करना जरूरी है, इसके बारे में क्या बोले? मतलब ये था कि सबको नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना जरूरी है। जगन्नाथ महतो के एकरा भटियारा के एकरा डिगा इस्तीफा लिख देवे के चाही। ई सरवा हमन के बोलता है मुर्गी पालन करे और ये हिया डिगे सामने आकर के हिया गुलूर गुलूर खाएगा। अरे इसको बंद करना होगा, नया नियोजन नीति लाना होगा। हिया से 10-12 करल बाहरी हो गया, अब बाहरी वाला ये भीतरी हो गया, इसका नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 फैन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगन्नाथ महतो जो बोले हैं कि हर कोई को नौकरी ही चाहिए, इस मामला में हम कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे झारखंड का स्टूडेंट लोग हैं, क्या मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी 2015 और 16 से ही अभी लाइब्रेरी में बैठ बैठ के इतने तैयारी कर रहे हैं कि आज तक ना कोई वैकेंसी सही से निकाल पाया, निकाला है उसे भी रद्द कर रहा है। और जो जगन्नाथ महतो, माननीय जगन्नाथ महतो जो बोल रहे हैं महोदय जी कि सभी को नौकरी ही चाहिए, तो हम लोग क्या करें? अगर नौकरी नहीं चाहिए तो क्या करें? झारखंड का जो स्टूडेंट लोग है क्या करें? जब बाहरी जो लोग हैं, हमारा बाहरी राज्य का लोग आके यहाँ जो है नौकरी कर रहे हैं, बाहरी लोगों को नौकरी दे दिए हैं, तो स्थानीय नीति लागू करें 15 दिन के अंदर, और हमारा जो छात्र जो यहाँ पे है उन लोगों के अनुसार सारा चीज़ जो है नीति बनाए, ताकि हमारा झारखंड का स्टूडेंट लोग है सही तरीका से भविष्य बना पाए। हेमंत सोरेन बोलता है सुअर पालो, मछली पालो, अंडा बेचो, बकरी बेचो, हम आईटीआई में 300 छात्र हैं, पैसा चंदा करके देंगे। हेमंत सोरेन अपना परिवार से उद्घाटन करे सुअर पालने का और बकरी पालने का, अंडा बेचने का उद्घाटन करे, हम कभी हुआ चाहेंगे। कुकुट
अभी जो नियोजन नीति रद्द हुई उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, ये सरकार की पूर्व से योनोचित ढंग से षड्यंत्र के तहत झारखंड के आम छात्रों के साथ, गरीब वंचित शोषित छात्रों के साथ क्या किया, जानबूझकर सरकारी नौकरी नहीं देने का काम किया है सरकार। मुख्यमंत्री महोदय, अलग की बात है कि बीए फेल है, बीटेक नहीं पास कर सके, मुख्यमंत्री महोदय भी इंटर फेल है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले उन लोग पास कर जाए। और यहाँ यह करना है कि जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि नियोजन नीति में कंडिका 7 और कंडिका 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और आपने जो हिंदी को हटाने का काम किया है, आपने 2011 के जनगणना का सेंसेक्स नहीं देखा, कोई कमेटी नहीं बिठाया, कोई राय नहीं लिया, बिल्कुल भी जिस तरीके से अपनी नीति नहीं बनाई, इसका मतलब था कि षड्यंत्र के तहत आपने ये काम किया और छात्रों का करियर खराब करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए काम किया। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि 15 दिनों के तहत अंदर आप संशोधन कीजिए और जो नियुक्तियां थी उसका एग्जाम लिवाइए, हम छात्रों का समय बर्बाद नहीं कीजिए। एक बात और कहेंगे कि जब तक ये बेल्जियम वाली लॉबी सरकार को कवर करते रहेगी, झारखंडियों का भला नहीं होगा। तो बेल्जियम वाली लॉबी को झारखंड से बाहर जाना पड़ेगा। एक चीज़ जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि क्या सबको रोजगार, सबको सरकारी नौकरी करना ही जरूरी है? देखिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री जगन्नाथ महतो जी को हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम लोग किए हुए हैं। सरकारी नौकरी आप फॉर्म निकालते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी हम लोग रखते हैं, हम लोग एग्जाम देंगे, पास करेंगे तो नौकरी लेंगे। हम लोग तो नहीं करेंगे 5 लाख को सरकारी नौकरी दिए, हम लोग कहना है कि जो आप 900, 1000, 12000 जो पोस्ट निकाले हैं उस पे 12000 झारखंडी लोग का नौकरी होना चाहिए। हम तो नहीं कह रहे 5 सरकारी नौकरी दीजिए, आप जो फॉर्म निकाले हैं उसमें हम लोग पास करेंगे, सरकारी नौकरी लेंगे, नहीं पास करेंगे तो मुर्गी चराएंगे हम लोग। झारखंड का दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि मैट्रिक इंटर फेल मंत्री बन जाते हैं, मैट्रिक इंटर मंत्री बन जाते हैं। जिस दिन युवा उग्र होगा, 81 विधानसभा सीट से लड़ेगा और पूरा राजनेता का दुकान बंद कर देगा, उसको समझ में आता है? समझ में आता है 5 लाख नौकरी बोला है, उसका 1% निकालने बोला, सर दिमाग में है नहीं, नहीं कानून बनाने जनता का, हम लोग बोलो, हम लोग कानून बना देंगे, लाइब्रेरी में हम लोग कानून साफ करके बना देंगे। चुनाव में 10 वोट नहीं ला पाएगा रे। शिक्षा मंत्री बोलता है कि कोरोना था 2 साल, तो झारखंड में कोरोना था और बिहार में क्या था, उत्तर प्रदेश में क्या था, वहाँ पे लिया गया, बिहार पुलिस निकाला 8000 वहाँ पे उसको ले लिया, झारखंड में कोरोना आता है। मेरा शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, फेल है, वो क्या जानेगा नौकरी क्या होता है। मेरा कहना है आप पढ़िएगा तब ना पढ़ाई का वैल्यू जानिएगा, अब अनपढ़ को नेता बनाइएगा, सरकार बना दीजिएगा तो यहाँ जनता को भी मूर्ख बना रहा है और स्टूडेंट तो हम लोग मूर्खे हैं ना, डिग्री ले रहे हैं, पढ़ क्या रहे, झारखंड जो लिखा हुआ सोलह बला लिखा हुआ, हम लोग को बोलता है मुर्गी पालो, तो हम लोग 3 साल से तो मुर्गियाँ पाल रहे हैं, हेमंत सोरेन मुर्गी है, उसी को पाल रहे हैं और क्या पाल रहे हैं। पहले सरकार को पढ़ना चाहिए कि झारखंड क्या है, झारखंड सबसे बड़ा अमीर राज्य हम लोग का, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार है, गरीबता सड़क पर मर रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार ताड़ी पी के सोता है, उसको ध्यान देना चाहिए ना। पानी पियो, पानी दो। नहीं नहीं ठीक है, हम जब तक जीतेंगे नहीं तब तक क्या इसी तरह लड़ना पड़ेगा ना, कितने हमें तो सरकार को पानी पीना चाहिए, सरकार ध्यान देगी तब ना पानी पी लेंगे, पानी क्या, हम लोग का रोजगार है, हम लोग का रोजगार ही पानी है। हमें तो लूट लिया मिलके हरिया वालों ने।